ये हमारा शरीर है, ये शारीरिक संरचना है। इस शरीर में हमारे 7 प्रमुख चक्र है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे 7 चक्र हो गए। ये हमारा 8वां चक्र है, यहां 9वां चक्र है और यहां 10वां चक्र होता है। ये हमारे ग्रह हैं, सूर्य, शनि, राहु वगैरह, बुध इत्यादि, मंगल, बृहस्पति, शनि। यहां हमारा होता है यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। यह है इंद्र, वरुण और यम। हमारे पास 5 चक्र ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 चक्र नीचे, 1, 2, 3, 4, 5। ये नीचे के 5 चक्र जो है, इनके पास हमारा पाप का घड़ा होता है, और ऊपर के जो 5 चक्र है, यहां पर हमारा पुण्य का घड़ा होता है। अब यानी कि हम जो अंदर घूमते रहते हैं, हमारी इच्छा है हम किस घड़े के पास जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वैसे ही हमारे जीवन में चीजें आती रहेंगी या चीजियां जाती रहेंगी। आप देखेंगे जाने का स्थान है, यहां से नीचे की ओर आप जाते हैं तो हमारा यूरिन पास करने के लिए हमारी किडनीज यहां होती है, लिवर यहां होता है, ये देने जाने वाली चीज है। सेक्स के लिए यहीं से होता है, मेंसेस यहीं से होते हैं। बाहर की ओर निष्कासन, यहां हमारा एक्सक्रीशन का तंत्र चलता है। ये पैर है जाने का, ये यहां भी कहीं जाना है मोटे तौर पर। ये मृत्यु का स्थान होता है, मृत्यु गए, पूरे ही चले गए। ये हमारा आधा अधूरा बीमार पड़ने का योग होता है। इन दोनों के बीच हमारे कोर्ट कचहरी जाना, हमारे जीवन की परेशानियां, हमारे शत्रुओं से लोहा लेना, लोहा वैसे देते नहीं है वो मारी देते हैं, इत्यादि इत्यादि की प्रॉब्लम्स। यहां हमारे जीवन में क्या है, ये नाभि केंद्र है, यहां से जन्म होता है, आया सांस आता है, कहां आता यहां, कुछ मिला, वहां मजा आ गया, यानी सब कुछ मिलने का कार्यक्रम यहां से। ये हृदय चक्र है, प्रेम, प्रेम ही प्रेम, स्पेस, दुनिया में नाम हो गया। फिर लीला, मानसिकता, नए विचार आते हैं, कमाल हो गया, सहस्रारा, परमात्मा गोद में लेने आ जाता है। ये हमारे पुण्य का घड़ा है, सबके पास होता है, एवरीवन। ये हमारे पाप का घड़ा है। हम कौन है, हम बीच रस्ते में कोई है जो टुकड़ू 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 ऊपर से नीचे की फ्लोर में दौड़ते रहते हैं और इन इन ग्रहों के पास पहुंचते हैं और वो अपना फल देते हैं। जैसे आप शमशान घाट में कोई जाते हो, मर गया है, वहां पर आप दुकान पर जाते हो तो वहां क्या लेते हो, वहां से कहते हो भैया अर्थी दे दो, मरे का सामान दे दो, उस दुकान से यही मिलेगा। आप किसी होटल में जाते हो, वहां जाके आप यही कहते हो भैया पनीर खिला दो, नान खिला दो, जहां जिस दुकान पे जो सामान है वही मिलेगा। तो ऊपर के इलाके में पैसा मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, आनंद मिलता है, अच्छी हेल्थ मिलती है, सुख मिलता है, मजा मिलता है। नीचे के घड़े के पास झंझट ही झंझट, लफड़े ही लफड़े, झगड़े, गरीबी, परेशानी, बीमारी, टेंशन, कोई सुख की बात। तो ये हमारे सुख को देने वाला है और ये दुख को देने वाला है। ये ऑटोमेटिक बात है कि जैसे हमारे जीवन में सुख मिलता है ना, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। जैसे उदाहरण, मेरी किसी ने तारीफ कर दी, अरे वाह आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे अभी भी पता चला कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं अपनी नजरों में उठ गया, मेरा दिमाग एक्चुअली खराब हो गया और मैंने कहा अरे मैं तो बहुत अच्छा हूं। अब दूसरा एक व्यक्ति मिल गया, उसने कहा भाई साहब ये बात आपने ठीक नहीं की, बस मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मैंने कहा यार अभी मैं अच्छा डिक्लेयर हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बुरा हूं, तो अभी अभी मैंने सुख लिया था, अभी अभी दुख मिल गया। तो सुख मिलने का खतरा बहुत बड़ा है, जैसे ही सुख मिलता है अगला एपिसोड हमें पीटता है। हम कहते हैं यार ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, अभी अभी प्यार मिला था, अभी अभी नखरे मिल गए, अभी अभी तनख्वाह बढ़ी थी, अभी इतना ज्यादा काम मिल गया, यार ये तो बड़ा लफड़ा है। तो सुख दुख साथ चल रहे हैं,